हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू जोन में। आज हम आपको इंडिया के टॉप 5 कम उम्र के गैंगस्टरों के बारे में बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं गैंगस्टरों की लिस्ट, जिनमें नंबर 5 पर है नवीन तंबोले। नवीन तंबोले उज्जैन का रहने वाला है और नवीन तंबोले ने लगभग 14 से 15 साल की उम्र में गैंगस्टर की दुनिया में कदम रख दिया था। नवीन तंबोले के ऊपर जिला बद्र, रासुका व अनेक धाराएं लगी हुई हैं और नवीन तंबोले अब लगभग 19 से 20 साल का हो गया है और उज्जैन में ही रहता है। नंबर 4 पर है कोलिस राजपूत। कोलिस राजपूत राजस्थान के अजमेर ब्यावर का रहने वाला था। कोलिस राजपूत ने कम उम्र में ही गैंगस्टरी की दुनिया में कदम रख दिया था और उस पर लूटपाट, फिरौती व अन्य मामले दर्ज थे। कोलिस राजपूत को नाबालिग लड़कों ने 6 गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी थी। कोलिस राजपूत ने लगभग 18 साल की उम्र में गैंगस्टर की दुनिया में कदम रखा और 22 साल की उम्र में मारा गया। नंबर 3 पर है हेमंत वाड़िया उर्फ बौखला। बौखला उज्जैन का रहने वाला है। बौखला के ऊपर हत्या, फिरौती मांगना, लूटपाट आदि अन्य मामले दर्ज हैं और बौखला को उज्जैन पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी। इसी वजह से बौखला पर उज्जैन पुलिस ने 30,000 का इनाम रखा था, लेकिन एनकाउंटर के डर से बौखला ने खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और आज भी बौखला जेल में ही है। बौखला पहले उज्जैन की सेंट्रल जेल में था, लेकिन अब उसको शिफ्ट करके इंदौर जेल भेज दिया गया है। नंबर 2 पर है सलमान लाला। सलमान लाला इंदौर का रहने वाला है। सलमान लाला ने भी कम उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। सलमान लाला पर चोरी, डकैती, हत्या, फिरौती आदि अन्य मामले दर्ज हैं। सलमान लाला ड्रग्स की तस्करी करता था और लड़के लड़कियों को ब्लैकमेल भी करता था। सलमान लाला ने इंदौर में अपनी एक गैंग बना रखी है जिसे लाला की फौज के नाम से जाना जाता है, लेकिन अभी कुछ समय पहले सलमान लाला को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस के द्वारा सलमान लाला का इंदौर में जुलूस भी निकाला गया। इस लिस्ट का नंबर 1 गैंगस्टर जिसको कौन नहीं जानता है, उसका नाम है दुर्लभ कश्यप। दुर्लभ कश्यप उज्जैन का रहने वाला है और दुर्लभ कश्यप ने 16 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था और फेसबुक अकाउंट की बायो में लिखा था कि कुख्यात बदमाश, हत्यारा, पीवर अपराधी, कोई सा भी कैसा भी विवाद करना हो तो मुझसे संपर्क करें। और दुर्लभ कश्यप पर हत्या, मारपीट, फिरौती अनेक मामले दर्ज थे। दुर्लभ कश्यप ने एक गैंग बनाई जिसका नाम था डी कंपनी, जिसको दुर्लभ कश्यप ही चलाता था और दुर्लभ कश्यप ने सोचा था कि उसे अंडरवर्ल्ड डॉन बनना है, लेकिन 2020 में हेलावाड़ी में उसकी हत्या कर दी गई। आपको क्या लगता है इनमें कौन सबसे ज्यादा खतरनाक गैंगस्टर था, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।